तो गाइज बैकग्राउंड म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो कि आपके बोरिंग वीडियो को भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, बहुत ज्यादा इंगेजिंग बना सकते हैं। आपने भी बहुत सारी क्रिएटर के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक देखा होगा, लेकिन आपको पता नहीं रहता कि इनके जो बैकग्राउंड में कौन सा म्यूजिक लगाया गया है, इस बैकग्राउंड म्यूजिक का नाम क्या है, तो इसकी वजह से आप उनका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो यूज नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं टॉप 10 बैकग्राउंड म्यूजिक देने वाला हूं। अगर आप किसी भी कैटेगरी में काम कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कैटेगरी में काम कर रहे हो, तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक में से आपको बहुत ज्यादा यूज करेंगे, आप ये बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर सकते हैं। टेक वीडियो बनाते हैं तो इसमें बहुत सारी म्यूजिक ऐसे हैं जो कि आप टेक के अंदर यूज कर सकते हैं, गेमिंग वीडियो के अंदर भी यूज कर सकते हैं। मतलब टॉप 10 का मतलब ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक जो कि आप हर कैटेगरी के अंदर यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा चुन चुन के लेकर के आया हूं, नो कॉपीराइट है, कॉपीराइट का कोई मैटर नहीं है। अगर कॉपीराइट आ जाता है तो आपकी अर्निंग ऑफ हो जाती है और आपका वीडियो भी आगे नहीं जा पाता है, तो इसी वजह से आपको कॉपीराइट से बचना है। तो इन जो बैकग्राउंड म्यूजिक के अंदर आपको बिल्कुल भी कॉपीराइट नहीं आएगा। चलिए सुन लीजिए, आप मैं आपको देने वाला हूं जो बैकग्राउंड म्यूजिक, पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको डाउनलोड कहां से करना है, कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आप सुन लीजिए, मैं आपको नाम लेते चलूंगा, आपको बैकग्राउंड म्यूजिक जो है पर सुनते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक होने वाला है दोस्तों, उसका नाम है बुक द रिटल। दूसरा दोस्तों जो बैकग्राउंड म्यूजिक हमारा होने वाला है वो बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, जिसका नाम है चैंप। तीसरा जो बैकग्राउंड म्यूजिक हमारा होने वाला है दोस्तों, वो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, जिसका नाम है क्रेम फ्लाई। नेक्स्ट जो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक होने वाला है दोस्तों, उसका नाम है आई किंग। और अगला जो बैकग्राउंड म्यूजिक होने वाला है दोस्तों, वो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है, और इस बैकग्राउंड म्यूजिक को आपको बहुत ज्यादा यूट्यूबर के जो बैकग्राउंड में सुना होगा, लेकिन आपको पता नहीं रहता ये डाउनलोड कहां से करना है। तो सबसे पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं डाउनलोड कहां से करना है। तो इस बैकग्राउंड म्यूजिक का नाम है फॉरएवर। दोस्तों जो 6 नंबर वाला बैकग्राउंड म्यूजिक है, आपने 100% हर यूट्यूबर के बैकग्राउंड में आपको सुना होगा, लेकिन काफी सारे बंदों के बैकग्राउंड म्यूजिक का नाम ही नहीं पता है, वो यूज करना चाहते हैं लेकिन उनको नाम ना पता होने की वजह से वो डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। तो इस बैकग्राउंड म्यूजिक का नाम है क्रॉकपॉट। तो अगला जो बैकग्राउंड म्यूजिक होने वाला है 7th, तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक आप फैक्ट वीडियो के अंदर यूज कर सकते हो, या आप अगर ब्लॉगिंग वीडियो बनाते हो तो उसके अंदर यूज कर सकते हो, क्राफ्ट वीडियो बनाते हो उसके अंदर यूज कर सकते हो, और बहुत ही ज्यादा वीडियोस के अंदर आप यूज कर सकते हो। इसका नाम है स्नैक ऑन द बीच। दोस्तों अगला जो बैकग्राउंड म्यूजिक हमारा होने वाला है, इसका नाम है न्यूजीलैंड, और आप ये हर वीडियो के अंदर यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ही ज्यादा अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक है। दोस्तों बात कर लेते हैं 9th बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो इस बैकग्राउंड म्यूजिक का नाम है नॉर्थ ऑकलैंड। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब लास्ट और 10th बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो इसका नाम है स्टेलर विंड्स। ये बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है और इसको आप हर वीडियो के अंदर यूज कर सकते हो। तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं आपको डाउनलोड कहां से करना है। तो
अब मैं आपको बता देता हूँ ये सारे बैकग्राउंड म्यूजिक, टॉप 10 बैकग्राउंड म्यूजिक आपको अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कहाँ से करना है, कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है नो कॉपीराइट है, और नो कॉपीराइट म्यूजिक आपको कहाँ मिलते हैं, यूट्यूब की लाइब्रेरी के अंदर। ऑडियो लाइब्रेरी जो यूट्यूब की होती है, जब आप डेस्कटॉप साइट के अंदर ओपन करते हो वहां पर आपको ये नाम जो मैंने आपको बताया ये सर्च कर लेने हैं, और वहां से आपको सिंपल से डाउनलोड कर लेने हैं। मतलब यूट्यूब के हैं तो आपको कोई भी कॉपीराइट इशू नहीं आएगा, और इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो को ये एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर लाइक जरूर से करना। मैं मिलता हूं किसी और नई वीडियो में किसी और नोटिफिकेशन। जय टाटा, बाय बाय।